स्वागत है आपके अपने चैनल महाध्यन में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं विज्ञान की आठवीं कक्षा की वर्कशीट नंबर 2। आज तारीख है 16 सितंबर। आज हमारे टॉपिक का नाम है सूक्ष्म जीव। सबसे पहले सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही छोटा, और जीव जिसमें जीवन है। ऐसे जीव जो हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं। आइए इनके बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं, जैसे पनीर, ब्रेड, खाद, दवाइयाँ। नाइट्रोजन चक्र में यानी कुछ पौधों की जड़ों में भी इन जीवों के जरिए से उनका खाना बनता है और उन्हें पोषक तत्व मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको डोसा, इडली, अचार तो बहुत पसंद होगा। इन सभी चीजों में भी सूक्ष्म जीव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि हम जो दही खाते हैं उस दही को भी सूक्ष्म जीवों की मदद से ही जमाया जाता है। आपने देखा होगा कि मम्मी रात को हल्का गर्म दूध लेती हैं और उसमें थोड़ा सा दही डालती हैं। दूध का उचित तापमान पर होने पर ही केवल दही जमती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी दही में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु उचित तापमान पर यानी कि गुनगुना दूध होने पर हमारे दूध में जब दही मिलाया जाता है और दही में यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो उस उचित तापमान पर यानी गुनगुना होने पर उसके अंदर जनन करता है और इस तरह से दूध दही में बदल जाता है। आइए अब हम हमारी प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं तो पूछा गया है दूध से दही कैसे जमाया या बनाया जाता है। दही बनाने के लिए कौन सी दो चीजों की आवश्यकता होती है? तो आइए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, इसलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देते हैं। दही जमाने के लिए निम्न दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक, दूध का उचित तापमान या गुनगुना होना। नंबर दो, दूध जमाने के लिए थोड़ा सा दही। दूसरा प्रश्न है, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? उत्तर है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दही में पाया जाता है। प्रश्न 3, सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखिए। उत्तर है, सूक्ष्म जीवों का विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग होता है। नंबर 1, पनीर बनाने में। नंबर 2, ब्रेड बनाने में। नंबर 3, अपशिष्ट का अपघटन करने यानी कि खाद बनाने में। नंबर 4, औषधि निर्माण करने में यानी दवाइयां बनाने में। इसके बाद नंबर 4, आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीजें खाने से खुशी मिलती है? तो हम सभी जानते हैं दूध से बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो इसका उत्तर है, हमें दूध से बना पनीर, दही और मक्खन आदि खाने से खुशी मिलती है। बच्चों ध्यान देना, जहां हमने उत्तर नंबर 1 लिखा है वहां पर जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देते हैं। यह जनन शब्द है। साथ बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और बच्चों से सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम ऐसी ही उपयोगी वीडियो आपके लिए बना सकें इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।